वैसे आज एक फन वीडियो होने वाला है, आज एफएल स्टूडियो वर्सेस एबिल्टन बैटल करेंगे, खतरनाक एक फाइट करेंगे दोनों के बीच में, कौन सा डॉ अच्छा रहेगा म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एंड कौन सा डॉ में बहुत ही जल्दी जल्दी म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, एंड इस कंपटीशन का जज होगा तुम लोग। तो तुम लोग कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा डॉ तुम लोगों के हिसाब से अच्छा है। पार्ट बाई पार्ट में कुछ कुछ चीज दिखाने वाला हूँ और तुम लोग का काम ये होगा कमेंट में बताना कि तुम लोगों के हिसाब से कौन सा जीत रहा है एंड कौन सा हार रहा है। मैं बस पॉइंट आउट करूंगा कुछ चीज एफएल का, कुछ चीज एबिल्टन का। तो मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा एंड मैं ये बोल देता हूं कि मैं एफएल का सब कुछ नहीं जानता हूं, एबिल्टन का मैं ऑलमोस्ट जानता हूं सब कुछ, तो मैं एबिल्टन यूज करता हूं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज टाइमिक नो हाउ। तो पहले हम लोग एफएल का ओवरव्यू लेंगे एंड एफएल का ओवरव्यू में पहला चीज जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, जितना भी फाइल एडिटिंग वाला जो ऊपर में रहता है ऑप्शंस, वो सब ऑप्शंस है एंड ऊपर में यहाँ पे कुछ मास्टर वॉल्यूम है ये, ओके ये मास्टर वॉल्यूम एंड यहाँ से लेके पैटर्न सॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा चेंज करना है पैटर्न या सॉन्ग। प्ले पॉज हो गया, रिकॉर्ड बीपीएम कितना स्पीड, यहाँ पे हो गया ये मेट्रोनम। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला विंडो है बताता है कि कौन सा किसके ऊपर कर्सर है, तो देख सकते हो। और भी है काउंटडाउन, प्लेन रिकॉर्डिंग, लूप रिकॉर्डिंग, ये सॉन्ग का पोजीशन, यहाँ पे रैम का यूजेज, मेमोरी यूजेज देख सकते हो एंड अनडू वगैरह, सेव यहाँ पे देख पा रहे हो। और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, एडिटिंग मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, पैटर्न कौन सा पैटर्न तुम्हें ड्रॉ करना है अरेंजमेंट व्यू के ऊपर एंड उसके ऊपर चालू हो रहा है हम लोगों का विंडो, कितना विंडोज इसमें, मतलब इसमें विंडो कितना कितना विंडो आता है। तो पहला जो विंडो आएगा वो आएगा ये अपना अरेंजमेंट व्यू, जहाँ पे गाना पूरा अरेंज होगा एंड एक एक करके दिखाएंगे एंड एक एक करके बंद करेंगे। उसके बाद आ रहा है ये वाला एक मिडी एडिटिंग वाला, जहाँ पे मिडी एडिट होगा एंड उसके बाद आ रहा है एक, उसके बाद ये है चैनल रैक, जहाँ पे पैटर्न बना के तुम लोग अरेंजमेंट व्यू पे लेके जाते हो, यहाँ पे मतलब चैनल्स क्रिएट कर सकते हो चैनल रैक। देन आता है एक मिक्सर, जो हम लोग का मिक्स होगा, मतलब लेवल्स वगैरह एंड इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो सब कुछ है। ये वाला हो गया लेफ्ट वाला विंडो का, जो तुम्हारा सैंपल्स एंड जितना भी तुम लोग का प्लगइन्स है, प्लगइन्स एंड सैंपल्स दिखेगा यहाँ पे, प्लगइन को ले सकते हो यहाँ से एंड सैंपल का भी विंडो है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैक्स में जाओगे तो जो पैक्स तुम लोग सेव करके रखो वो सब आएगा, ड्रम्स एंड ऑल ये सब डिफॉल्ट है, अभी लूप्स भी है कुछ, लूप्स वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा एंड नेक्स्ट एबिल्टन पे चलते हैं। तो अभी हम लोग एबिल्टन का मेन विंडो पे आ चुके हैं, एबिल्टन का जो मेन विंडो है वह ऐसा दिखता है। तो पहले तुम्हें एकदम कॉर्नर से स्टार्ट कर लो, कॉर्नर में वही सेम चीज़ फाइल एडिट क्रिएट सब मिल जाएगा, पीएम टैप टैप करके जो बीपीएम ढूंढते हैं उसका ये वाला ऑप्शन है एंड यहाँ पे बीपीएम है, यहाँ पे टेम्पररी पिच बैंड मिलता है यहाँ पे एक डाउन नीचे के कम स्पीड एंड ज़्यादा स्पीड करने का। यहाँ पे हो गया तुम्हारा सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर क्या रहता है उसका एंड यहाँ पे मेट्रोनम हो गया, बार्स यहाँ पे कितना बार्स सही है वो बार्स का हो गया एंड यहाँ पे तुम्हें टाइम सिग्नेचर वो सब दिखाया गया। ये वाला है कि गाना जब अरेंजमेंट व्यू पे तुम लोग देखोगे वो गाना मतलब मूव होगा, टाइम सिग्नेचर, प्ले स्टॉप और रिकॉर्ड बटन है यहाँ पे एंड यहाँ पे और भी फंक्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे और भी फंक्शंस है एंड यहाँ पे लूप सेक्शन है, कहाँ से कहाँ लूप करना है, तो ये वाला हो गया यहाँ पे एंड यहाँ पे सीपीयू यूजेज दिखाता है लेकिन रैम यूजेज नहीं दिखता है उन्हें, तो सीपीयू ओवरलोड इंडिकेटर्स वो सब एंड बाकी मिडीज को मैनुअली तुम लोग यहाँ पे क्लिक करके मिडी स्पेसिफिक कंट्रोल कर पाओगे। इसके लिए मान लो कि कोई बटन बना लिया, बहुत ही ईजी है यहाँ पे, और मतलब कंट्रोल कर सकते हो मैपिंग के लिए, मेनली ये मैपिंग का जगह है एंड बाकी दो ही विंडो है मेनली, एक मिक्सर विंडो एंड एक अरेंजमेंट व्यू बोल सकते हो इसको, तो उसको टैप से भी कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम कहीं पे भी जाओ उसका वही इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि क्या रहता है क्या है कि नहीं, डिटेल में बंद भी कर सकते हो यहाँ से, एज यूजुअली बंद करके रखता हूँ एंड यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन में मेन सेक्शन है जहाँ पे तुम लोग का सारा लूप्स मिलता है एंड VSTs वगैरह इफेक्ट सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो साउंड्स के अंदर तुम लोग को डिफॉल्ट जितना भी साउंड्स है वो सब देख पा रहे हो, डिफॉल्ट साउंड्स दिया हुआ है। तो एंड यहाँ पे ड्रम सेक्शन हो गया, ये हो गया ड्रम रैक, हम लोगों का ये ड्रम रैक हो गया एंड यहाँ पे ड्रम रैक ऑलरेडी बहुत सारा प्रीसेट मिलता है यहाँ पे ड्रम रैक का, कोई सा भी एक डाल लोगे तो वो ड्रम रैक आ जाएगा ऑटोमेटिक।
तो ऑटोमेटिक ड्रम ड्रम रैक आ जाएगा। एंड एम्प्टी चाहिए तो ये वाला खाली वाला एम्प्टी चाहिए तो। एंड इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट इंस्ट्रूमेंट है ये है सिंपलर, जहाँ पे सैम्पल यूज़ करते हो वो सैम्पलर। एंड इलेक्ट्रिक पियानो वगैरह बहुत सारा है, ये सब प्रीसेट दिया हुआ है, ये सब सब डिफॉल्ट है इसका। एंड ये ऑडियो इफेक्ट्स है, जो मतलब डिफॉल्ट ऑडियो इफेक्ट्स है, ये ऑडियो इफेक्ट्स है। एंड यहाँ पे मिडी इफेक्ट्स भी मिलता है, जैसे कि स्पेसिफिक कुछ मिडी मिडीज के ऊपर तुम लोग इफेक्ट्स डालना चाहते हो, जैसे कि पिच वाला। ये -12 दिया हुआ तो -12 ऑक्टेव नीचे चला जाएगा ऐसा टाइप का, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। मिडी काफी अलग से इफेक्ट दिया हुआ है, ये सब लाइव वाला मैक्स फॉर लाइव या लाइव सेक्शन के लिए, लाइव सेशन। एंड ये प्लगइन जो जगह है, प्लगइन का जो जगह है, यहाँ पे तुम लोग थर्ड पार्टी VST प्लगइन डाल सकते हो यहाँ पे। एंड सैंपल्स के अंदर भी वही डिफॉल्ट जो लाइब्रेरीज मिलता है, वही डिफॉल्ट लाइब्रेरीज खुद का, इसका एबिल्टन का खुद का लाइब्रेरीज मिल जाएगा यहाँ पे। एंड ग्रूव के अंदर मिडी का ग्रूव है, टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट्स रखा हुआ है। एंड यहाँ पे प्लेसेस के अंदर तुम लोग कस्टम प्लेस ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरा एक सैंपल लाइब्रेरी है छोटा सा, तुम लोग मैनुअली ऐड फोल्डर में जाना है। एंड यहाँ पे जो भी फोल्डर तुम लोग को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट है ऑडियो ट्रैक। FL का ऑडियो ट्रैक देखेंगे एंड इसका ऑडियो ट्रैक देखेंगे। तो हम लोग FL में आ चुके हैं अभी अभी। यहाँ पे अरेंजमेंट व्यू पे पहले जाना है, अरेंजमेंट व्यू पे जाना है। तो मैंने एक लूप ऐड करके रखा है यहाँ पे। तो मतलब पहले तुम लोगों को यहाँ पे पैटर्न में एक लूप ऐड करना है, देन उस पैटर्न को लेके मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करके, मतलब यहाँ पे तुम लोग पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो, पैटर्न सिलेक्ट करके ब्रश करके ऐसे ऐसे कर सकते हो, मतलब पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे बनाओगे वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ऐसे सब कुछ। एक्चुअली ये वाला विंडो से ही होता है चैनल रैक, तो चैनल रैक में से तुम लोग को यहाँ पे चैनल मिक्सर सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा मिक्सर का चैनल में जाएगा। जैसे कि मेरे को 2 नंबर पे चाहिए, तो यहाँ पे 2 नंबर पे सेट कर दिया एंड इस लुक को यहाँ पे डाल दिया, और भी तुम लोग का जो पैटर्न है वो सब डाल दिया। डालने के बाद ये मिक्सर खोला, अभी देखो अब मैं प्ले करूंगा तो ये 2 चैनल में बजेगा। तो ये हो गया एक ऑडियो ट्रैक तुम लोग कैसे यहाँ पे ला सकते हो ये फिल्म में। एंड अभी मैं एबिल्टन में दिखाने वाला हूँ सेम चीज। तो हम लोग अभी एबिल्टन में ऑडियो ऑडियो ट्रैक का देखेंगे कैसे कि ऑडियो ट्रैक क्या काम करता है। तो ऑडियो ट्रैक यहाँ पे एक सैंपल दिया, जो भी लूप तुम लोग ऑडियो लूप लेना है, जो लूप लेके यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया ऑडियो लूप। तो अभी इस लूप को तुम लोग मिक्सर चैनल में भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, या नहीं तो सीधा यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन मतलब एक चीज़ इसमें इजी है वो कि कोई सा भी चैनल, मतलब एक ही चैनल होता है, कोई अलग से ऐड करना नहीं होता है। तो यहाँ पे मान लो कि ये 4 चैनल है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी वही 4 चैनल ही है। डायरेक्ट मान लो कि सीधा मिक्सर चैनल पे राउट हो जाता है। एंड उसको अगर अरेंजमेंट व्यू में लेके जाना है तो इसको ऐसे पकड़ा एंड यहाँ पे जाके या टैप दबा के ऐसे यहाँ पे डाल दिया एंड ये वाला बटन ऑन कर दोगे तो मतलब ये बिल्टन सोचेगा कि यहाँ पे चलाना, यहाँ से चलाना। तो ये अरेंजमेंट व्यू पे आ गया और सीधा यहाँ पे मिक्सर से भी कनेक्टेड हो गया। बस और कुछ नहीं, ये वाला हो गया ऑडियो चैनल का सीन। तो अभी हम लोग मिडी चैनल का देखेंगे कि मिडी चैनल कैसे ऐड करते हैं इसमें, जनरेटर्स या कोई सा भी तुम लोग को सिंथेसाइजर का पैटर्न कैसे यहाँ पे प्ले करना है वो देखेंगे। पहले बेसिक चीज़ एक FL की ले लेंगे, मतलब जो इसका स्टॉक है उससे FL की। तो डांस पियानो यहाँ पे ले लेते हैं, सिंपल पियानो का साउंड है, तो उस पर डबल क्लिक करना, मतलब वहाँ पे राइट क्लिक करना है, करके पियानो रोल पे जाना, यहाँ पे और एक विंडो आ जाएगा। तो कुछ कुछ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक बेसिक सा एक सी मेजर का एक कॉर्ड लेंगे एंड कुछ टॉप में कुछ मेलोडी डालेंगे, तो एक सिंपल सा एक कॉर्ड बनाएंगे यहाँ पे। तो अभी ये देखो यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा है, तो प्ले करने के लिए यहाँ पे पैटर्न जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ये वाला लाइन आ गया, तो वो चलने लगेगा जैसे कि चल रहा है। तो अभी ये जो सी मेजर वाला कॉर्ड है, इस कॉर्ड को मान लो कि यहाँ पे ये मेरे को देना है, तो उसके लिए हम लोग को सिलेक्ट करना है, देन इसमें जाना है ड्रॉ वाला टूल में, उसके बाद ये एरो आ जाएगा, उसके बाद शिफ्ट ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट ये एरो ऐसे छोड़ दिया, तो हम लोग का आगे कॉर्ड। अभी अभी ये जो मिडी फाइल हम लोग का रेडी है एंड पहले हम लोग को मिक्सर सेट कर सकते हो यहाँ पे, 3rd चैनल पे चाहिए मान लो मेरे को, तो 3rd चैनल सेट कर लिया। तो अभी ये हम लोग का पैटर्न 1 पे है यहाँ पे, तो पैटर्न 1 सिलेक्टेड था, तो पैटर्न 1 पे ये ड्रॉ हुआ है। एंड बस अरेंजमेंट व्यू पे डालने के लिए
बस हम लोग को ये जो ब्रश वाला ऑप्शन आएगा तो उससे बस ऐसे क्लिक करना है तो आ जाएगा यहाँ पे। एंड मिक्सर पे भी राउट करने के लिए, मिक्सर पे वो 3 चैनल पे ऑलरेडी राउट हो चुका है, तो अभी प्ले करोगे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम लोगों का 3rd चैनल पे, ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोग एबिल्टन में करने वाले हैं। तो हम लोग अभी एबिल्टन में आ चुके हैं, एबिल्टन में एक मीडी ट्रैक बनाएंगे हम लोग। पहले यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाना है जाके, तो लोग पियानो सर्च कर सकते हो, उसका स्टॉक पियानो आ जाएगा। तो ये आ गया ग्रैंड पियानो, तो ये पे पियानो सेक्शन के अंदर जैसे कि ग्रैंड पियानो दिख रहा है तुम लोगों को, तो मैंने यहाँ पे चैनल 1 पे डाल लिया। तो यहाँ पे तुम लोग डबल क्लिक कर सकते हो, सर डबल क्लिक किया, इसको अभी 4 बार का लूप कर लेते हैं। 4 बार का लूप करने के लिए यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है लेफ्ट सेक्शन में छोटा वाला, वहाँ पे लेंथ पे जाके तुम लोग ऐसे 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 4 कर दो, 4 वाला आया तो 4 बार का यहाँ पे मिडी आ गया हम लोग के पास। तो अभी वहाँ पे जैसे कि सी मेजर के कॉर्ड्स, मतलब एक सी मेजर का जैसे कि कॉर्ड्स बनाएंगे वैसे कॉर्ड बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कॉर्ड्स बना लिए हम लोगों ने। अभी इसको जैसे कि कॉपी करना है यहाँ पे सी, फिर से मेरे को सी मेजर यहाँ पे चाहिए, तो ऐसे सिलेक्ट किया जैसे कंट्रोल एंड ड्रैग। एंड ये कंट्रोल वाला चीज़ मतलब कोई सा भी मीडी को कॉपी करने के लिए एंड कोई सा भी चीज़ को, कोई सा भी पैटर्न, कोई सा भी चीज़ को कॉपी करने के लिए एबिल्टन के अंदर तुम लोग कंट्रोल एंड उसको ड्रैग, तो वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हो गया हम लोगों का पैटर्न, हम लोग का मिडी फाइल जो बना है, यहाँ से प्ले कर सकते हो। एकदम सिंपल है, तो अभी इसको पकड़ते एंड टैप दबा के जैसे कि अरेंजमेंट व्यू पे लेके जाते हैं, तो ऐसे ये आ गया अरेंजमेंट व्यू पे एंड इसको यहाँ पे कर देना क्लिक। ये हम लोग अभी अरेंजमेंट व्यू पे आ गया ऑलरेडी। अभी जैसे कि देखा तुम लोगों ने कि मैंने यहाँ पे पहले मिडी ड्रॉ किया देन यहाँ पे ड्रैग किया, तुम लोग सीधा अरेंजमेंट व्यू पे ही बना सकते। एंड यूजुअली मैं ये विंडो यूज ही नहीं करता हूँ, सिर्फ मिक्सर सेक्शन के लिए यूज करता हूँ। बाकी तुम लोग अगर यहाँ पे चाहिए जैसे इस मीडी के ऊपर चाहिए या मतलब सीधा अरेंजमेंट व्यू पे चाहिए, तो ग्रैंड जो इंस्ट्रूमेंट है तुम लोगों का VST हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट है सीधा लेना है, मीडी चैनल लेना है ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप, वो मीडी चैनल यहाँ पे आ जाएगा। एंड तुम लोग अगर मीडी प्ले करना है, रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ से प्ले मार के रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग को मीडी बनाना है तो ऐसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, इंसर्ट एम्प्टी मीडी क्लिप, बस क्लिक किया मीडी क्लिप आ गया। काम सेम करेगा, सेम काम करेगा अभी जो तुम लोग को ड्रॉ करना है, उसके बाद प्ले करो सेम यही चैनल से बजेगा। एंड अगर तुम लोग को मिक्सर पे राउट करना है या कुछ, वो सब कुछ इसमें होता नहीं है, ये सेकंड ग्रैंड पियानो है, तो यहाँ पे भी सेकंड ग्रैंड पियानो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर मैं इसको कंट्रोल दबा के कॉपी करके यहाँ पे डालूं एंड इसको सोलो कर दूं सेकंड चैनल को, तो यहाँ पे जाके मैं अगर प्ले करूं, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लेवल्स आ रहा है, आ गया सेकंड चैनल पे। तो ये हो गया हम लोग का ऑडियो एंड मिडी चैनल। तो और एक चीज़, अगर एबिल्टन में तुम लोगों को मिडी चैनल ऑडियो चैनल लाना है, इस सेक्शन में अगर तुम मैनेजमेंट व्यू पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा इंसर्ट ऑडियो ट्रैक, इंसर्ट मिडी ट्रैक एंड इंसर्ट रिटर्न ट्रैक। आई थिंक इससे क्लीन तो कुछ होता नहीं है, एकदम क्लीन लिखा हुआ है, जो चाहिए वो ट्रैक इंसर्ट कर सकते हो उससे।